नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है। ये अपडेट है भारत के आने वाले अपकमिंग इंडिजीनियसली ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड डेक फाइटर जेट के ऊपर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंडिजीनियस टेट बीएफ भी कह सकते हैं। ये संपूर्ण रूप से इंडिजीनियसली बनाया जाने वाला 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जो कि रफाइल और दुनिया के किसी भी ट्विन इंजन फाइटर जेट से, जो कि चौथी पीढ़ी के उनसे उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। ये भारत अपने देश की नेवी और थल सेना के लिए ट्विन इंजन के जो फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए बना रहा है। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और साथियों वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। साथियों, हम सब जानते हैं कि पहले जो भारत की नेवी के लिए बाहर से फाइटर जेट खरीदने जाने थे, उसके लिए 114 फाइटर जेट का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और कुल मिलाकर 200 फाइटर जेट्स का प्रोग्राम था, जिसमें कुछ नेवी के लिए थे और बाकी लैंड बेस्ड एयरफोर्स के लिए थे। लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि क्यों ना हम अपने देश के अंदर ही फाइटर जेट्स को बना लें। इसी के चलते नेवी ने टेट बीएफ जैसा प्रोग्राम के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन दिखाई थी कि हाँ, हमें भारत में पूर्ण रूप में बना कर दिया करिए। और जो हमारे सीडीएस है बिपिन रावत, उन्होंने भी कहा है कि अगर हमें दुनिया में सुपर पावर बनना है तो हम केवल और केवल विदेशी ताकतों से फाइटर जेट या हथियार खरीद कर सुपर पावर नहीं बन सकते, हमें पूर्ण रूप से अपने देश में ही आत्मनिर्भर होना होगा। इसी के चलते इन्होंने टेट बीएफ के ऊपर बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया था। और इसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये आई है कि इसके अंदर जो विंड टनल टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। और उसके बाद जो इसका डिज़ाइन था, हमने देखा था एरो इंडिया शो में कि पहले से डिज़ाइन के मुकाबले जो दूसरा डिज़ाइन था वो और भी ज़्यादा स्टेल्थ फीचर वाला था और कई ज़रा बढ़िया और बेहतरीन तकनीक का दिखाया जा रहा था। लेकिन अभी भी इसमें कई प्रकार के डिज़ाइन के अंदर अपग्रेडेशन चल रहे हैं और इसके साथ नेवी के साथ भी कई प्रकार की कंसल्टेशन चल रही है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि विनल टनल टेस्ट के स्टेज के बाद दूसरा स्टेज डिज़ाइन का है, उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। लेकिन इसके बीच कुछ चैलेंजेस भी निकल कर आए हैं, जैसे कि सबसे मेजर चैलेंजेस निकल कर आए हैं कि इसका जो मैकेनिज्म होगा वो फोल्डिंग विंग्स का होगा, क्योंकि जो इसका विंग्स पैन है काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसे किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं तो ज़्यादातर देशों की फाइटर जेट की स्ट्रेटजी ये रहती है कि विंग्स को फोल्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया जा सके। एक तो उसमें कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। दूसरा, जो इसका लैंडिंग गियर सिस्टम है उसमें निकल कर आ रहा है कि जो 2610 का डेक बेस ये वाला फाइटर जेट होगा, उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों को ध्यान में रखते हुए इसके पूरे के पूरे लैंडिंग गियर सिस्टम को भी प्रॉपरली और नए तरीके से डिज़ाइन करना होगा। और ये सब चीज़ों का अनुभव इन्हें LCA का जो नेवी वर्जन के अंदर टेस्ट किया था उसके अंदर देखा गया है। और इसके चलते इन्होंने ये कहा है कि जो टेट बीएफ का नेवी वर्जन होगा इसको 2025 तक पहली फ्लाइट कर ली जाएगी और प्लान कर ली गई है, और उसके बाद 2026 में पहली फ्लाइट्स के जो ट्रायल है उसको आपको कंप्लीट करने के बाद इसको टेट बीएफ को प्रोडक्शन में भेजने का काम शुरू हो जाएगा। इसके दो कॉन्फ़िगरेशन बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन होगा IOC वाला। इसमें इसके 2 यूनिट्स क्रिएट किए जाएंगे सबसे महत्वपूर्ण तौर पर, जो इसके मेजर पार्ट्स और सारे के सारे जो बचे हुए टेस्ट को कंप्लीट कर लेगा और इसके IOC वर्जन को बाद में भारतीय नेवी को दिया जाएगा। इसके जो सबसे पहले ट्रायल्स होंगे वो गोवा के अंदर जो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है उसके अंदर होंगे, उसके बाद इसे डेक बेस्ड इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में लॉन्च करके टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद टेट बीएफ को 2030 में प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा। और जो कि आने वाले समय में बहुत ही तेजी से जो रशियन MiG-29 के नेवी के जेट है उसको रिप्लेस कर देगा और भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा इस क्षेत्र में भी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेट बीएफ प्रोग्राम है इसको आप ये मत सोच के चलिए, देखिए टेट बीएफ में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद इसका ORCO वर्जन जो लैंड बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मैं इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये कही गई है कि भारत के देश के प्राइवेट सेक्टर सप्लायर्स को बहुत ही बड़े स्तर पर और रेंज ऑफ सिस्टम और इक्विपमेंट्स को जोड़ने के लिए उसको दिया गया है, क्योंकि इसमें वो फ्यूसलाज
या फिर बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसके द्वारा वो एवियोनिक्स बनाएंगे, सेंसर्स बनाएंगे, रेडार्स को डिप्लॉय करेंगे। इससे जो लोड होगा वो काफी कम हो जाएगा और एमका के लिए भी काफी अपग्रेडेड प्रोग्राम बनाने का भी मदद मिलेगी। तो साथियों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसी बड़ी खुशखबरी पर आपको क्या लगता है, और साथियों नीचे जय हिंद का कमेंट कीजिए अगर आपको सच में ये न्यूज लगी। क्योंकि अगर ये फाइटर जेट आ गए तो मैं आपको बता दूं ये एमका से बड़ा प्रोग्राम होगा। उसका कारण ये है, वैसे तो एमका बहुत ज्यादा घातक होगा इसके मुकाबले, लेकिन ये आने वाले 40 से 50 साल तक जो भारत को एयर पावर देने का काम करेंगे वो यही टेट बीएफ के विमान करेंगे। क्योंकि ये डबल इंजन 4.5 स्पीड के होंगे और पूरी दुनिया आने वाले 40-45 साल तक इन्हें इस्तेमाल करने वाली है, तो भारत की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करेगा। तो चलिए साथ ही वीडियो करते हैं।